दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। मेरे को पता आपने से कई लोग इस बारे में पहले से जानते होंगे कि जीएसटी 1 जुलाई से रोल आउट होने वाला है इंडिया में, और आप में से बहुत से लोग एक्चुअली में जीएसटी के बारे में काफी नॉलेज रखते होंगे। स्टिल मेरे को लगा कुछ लोग अभी भी हैं जिनको अच्छे से जीएसटी के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाने की सोची जिसमें मैं जीएसटी के सारे बेसिक्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ जीएसटी के बारे में बात करेंगे, ये पार्ट वन है। तो इसमें सबसे बेसिक चीजें मैं जीएसटी के बारे में बताऊंगा जो आपको जाननी जरूरी है। तो जीएसटी है क्या? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कई लोगों के में मन में आता है कि ये जीएसटी क्या एक और टैक्स लगने वाला है, मतलब जो ऑलरेडी टैक्स लग रहे हैं उसके एडिशन में एक और टैक्स है। नहीं, जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मेल है। जैसे आपको करंट टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में पता होगा कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में आता है हमारा इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है हमारे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स। तो बहुत सारे टैक्सेस जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ रहे हैं वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? जीएसटी, मतलब कि सारा का सारा हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएंगे? एक टैक्स में चले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कॉमन टैक्स लगेगा गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे, उसको बोलते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। तो जीएसटी इंडिया में आने से पहले काफी कंट्रीज में ऑलरेडी एप्लीकेबल है, इवन पाकिस्तान में भी जीएसटी रोल आउट हो चुका है। तो ये कुछ कंट्रीज है जिसमें जीएसटी के रेट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं जहाँ पे अलग अलग रेट्स हैं। अब इंडिया में जीएसटी के रेट्स क्या होने वाले? इंडिया में है चार रेट्स होने वाले हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% होते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज की चीज है, उनमें 5% लगेगा। और जो 12 से 18% वाली कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज फॉल करने वाली है, और जो हमारी 28% वाले रेट है उसमें सारी लग्जरी आइटम्स आएगी। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। उसके बाद कुछ आइटम्स आती है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल पे क्या होगा? अभी भी स्टेट एक्साइज लगेगी और वैट लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो स्टेट ड्यूटी लगेगी उस पर। टबैको पे जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट होता है। सिगरेट्स, तंबाकू, इन पे तो जितना टैक्स चार्ज करो उतना ही कम है। रियल एस्टेट पे अभी भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, तो उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कहते हैं प्रेजेंट इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। प्रेजेंट इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर है क्या है? आप पहले कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। आप कोई भी सर्विसेज देते हैं किसी को, उस पर सर्विस टैक्स लगता है। आप कोई भी गुड्स बेचते हैं किसी को, उस पर वैट, सेल टैक्स या सीएसटी लगता है। और आप अगर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट चीजें करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगते हैं। और एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो आपको पता ही है कि एंटरटेनमेंट पे और एंट्री पे अगर कहीं से किसी स्टेट से किसी स्टेट में गुड्स जाते हैं तो आपने लिखा होगा चुंगी बनी होती है, तो उसे एंट्री टैक्स कहते हैं। तो ये है हमारा अभी करंट का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अब इसको पूरे को कौन रिप्लेस करने वाला है? जीएसटी। कस्टम ड्यूटी अभी भी लगी, कस्टम ड्यूटी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स की जगह लेगा आपका जीएसटी, बाकी पे कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती रहेगी। तो जीएसटी के है तीन कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल जीएसटी, एज नेम सजेस्ट करता है, जैसे कि जो ये सीजीएसटी है इसका शेयर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद आता है एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? स्टेट जीएसटी, इसका शेयर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये जो दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ये दोनों कब लगेंगे? जब आप एक ही स्टेट का सामान एक ही स्टेट में बेचेंगे, जैसे कि हरियाणा का डीलर है और हरियाणा के ही कंज्यूमर को सामान बेच रहा है, तो उस पे ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। उसके बाद आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या? इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये लगेगा जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचेंगे तब लगेगा, और इसका जो हिस्सा होगा वो किसमें शेयर होएगा? सेंट्रल और स्टेट में बराबर बराबर, या जो भी इनका टर्म्स होगी उसमें शेयर होएगा। सीजीएसटी किसकी जगह लेने वाला? सीजीएसटी उन टैक्सेस की जगह लेने वाला है जो सेंट्रल के पास जाते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, उनकी जगह लेगा सीजीएसटी। ऐसे ही एसजीएसटी किसकी जगह लेगा? जो हमारे स्टेट के पास टैक्स जाते थे, लाइक वैट, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, जो ये सारे स्टेट के पास टैक्सेस जाते थे वो उसकी जगह लेगा एसजीएसटी। जो हमारी सेंट्रल की रेवेन्यू थी वो सेंट्रल के पास रहेगी, जो स्टेट की रेवेन्यू थी वो स्टेट के पास रहेगी, और जो दोनों के पास शेयर होती थी वो आईजीएसटी में आ जाएगी। तो जीएसटी के कंपोनेंट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि सेंट्रल को भी नुकसान ना हो, ना ही स्टेट को नुकसान हो। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होगी और इंटर स्टेट सप्लाई होगी क्या होगी। आप देखिए कि एक लोकेशन से
दूसरे लोकेशन पे अगर हम सामान बेच रहे हैं तो उसपे क्या लगेगा? CGST और SGST। मतलब हरियाणा में है, हरियाणा से ही सामान जा रहा है और हरियाणा में ही बिक रहा है, तो क्या वो लगेगा? CGST और SGST। इसमें क्या है कि जहां पे आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका सामान कहाँ से बिका है और कहाँ पे जाके बिका है वो रिलेवेंट है। तो इसमें सिंपल है कि फ्रॉम वन स्टेट टू दैट स्टेट ओनली। अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो नहीं लगेगा CGST और SGST। इसी तरह अगर हम हरियाणा से पंजाब में सामान बेचते तो IGST लगता। IGST ऑब्वियसली हायर रेट होगा क्योंकि CGST और SGST का कॉम्बिनेशन होगा। आपको एक और बात बता दूं, जो ये दोनों पे टैक्स का रेट है वो सिमिलर होगा, कि अगर SGST और CGST को ऐड कर ले तो वो IGST के इक्वल ही होगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है, डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इम्पोर्टेंट, कि अगर स्टॉक भी ट्रांसफर कर रहे हैं ना एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तब भी आपको IGST देना पड़ेगा। और इम्पोर्ट्स के केस में आपको बेसिक कस्टम तो देना ही पड़ेगा, प्लस IGST भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कस्टम ड्यूटी नहीं चेंज होगी, कस्टम ड्यूटी के आगे जो उनके पार्ट्स होते हैं ना, CVD वगैरह, उसकी जगह IGST आ जाएगा। इसी तरह सर्विसेज पे भी, सर्विसेज अगर एक स्टेट से उसी स्टेट में ट्रांसफर हो रही है तो CGST और IGST SGST लगेगा, सॉरी, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो IGST लगेगा। अब क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या था, अब आपको डिटेल में एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। पहले क्या था, एक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, वो मैन्युफैक्चर करती थी कोई गुड्स, तो उसपे वैट लगता था और एक्साइज लगता था। आपको एग्जाम्पल है, 100 रुपए की वैल्यू लेके चलते हैं, उसपे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है और 11 रुपए वैट लगा था। ये मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ, ये एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, तो ये समझाने के लिए हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो उसकी इनवॉइस की वैल्यू होगी 121 रुपए की, ठीक है। अब उसने बेचा वो सामान जो हमारा फाइनल रॉ मटेरियल बनाने वाला है, जो हमारा फाइनल फिनिश्ड गुड बनाने वाला है, सॉरी। तो फिनिश्ड गुड बनाने वाले को भी दोबारा एक्साइज ड्यूटी और वैट देना पड़ेगा, प्लस जो पहले इनपुट मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी और वैट दे चुका है उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस स्टेज पे भी वैट और एक्साइज लगने वाला है। अब वो क्या होगा, जो जिसने मैन्युफैक्चर किया फाइनल प्रोडक्ट, वो उसको डीलर को बेचेगा। अब डीलर के पास जो जाएगा, डीलर को दोबारा से वैट देना पड़ेगा, डीलर को एक्साइज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। अब डीलर उसको सेल करता है तो उसको जो पुराना टैक्स पे हो चुका है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, और जो उसको एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट पे उसको देना पड़ेगा वो उसको वो देगा। तो इस सिनेरियो में सेंट्रल के पास जाता है 11 रुपए और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है 13 रुपए के करीब टैक्स। अगर जीएसटी आता है, जीएसटी में क्या होगा, जब रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर होगा उसे दो कंपोनेंट्स देने पड़ेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी, दोनों को 10-10 रुपए ले लिया है मैंने, और मैं ये इंट्रा स्टेट ले रहा हूँ। अगर मैं इंटर स्टेट लेता तो उसको IGST देना पड़ता, वो भी 20 रुपए, ठीक है। अब जो फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर होगा उसको भी सेम SGST और CGST देना पड़ेगा, प्लस वो जो पुराना पहले दे चुका है CGST और SGST उसका क्रेडिट मिल जाएगा। उसी तरह आगे जब डीलर जाएगा उसको भी CGST और SGST देना पड़ेगा और उसको पुराना उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और इस केस में दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास 12 रुपए 10 पैसे का टैक्स कलेक्ट होगा। तो देख रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, स्टेट को थोड़ा नुकसान हो रहा है और सेंट्रल को थोड़ा फायदा हो रहा है। अगर जीएसटी की कोई न्यूज फॉलो करता हो, अगर आपको पता होगा, जो पहले जो जीएसटी का मामला अटक रहा था तो वो क्या अटक रहा था, स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्हें क्या हो रहा था, लॉस, जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है। तो वो क्या, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है कि कुछ सालों तक जो स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होगा वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। इस शर्त पे स्टेट गवर्नमेंट्स ने जीएसटी को हरी झंडी दी है। इसी तरह सर्विसेज पे भी, सर्विसेज देगा, इनपुट सर्विस प्रोवाइडर अगर देगा तो उसपे CGST और SGST देना पड़ेगा, फिर आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर देगा वो भी CGST और SGST देगा, तो फाइनली वो कंज्यूमर को बेचेगा तो भी CGST और SGST देना पड़ेगा। इस हिसाब से 11-11 रुपए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से आएंगे। तो अभी क्या होता था, अभी 10 रुपए का सर्विस टैक्स, वैसे तो 15 रुपए, इस एग्जाम्पल में 10 रुपए लिया हुआ है, तो 10 रुपए का सर्विस टैक्स लगता था, उसका क्रेडिट लेता था आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर, आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर का क्रेडिट लेता था, वो 11 रुपए पड़ता था। आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर भी फिर आगे बेचता था तो उसे सर्विस टैक्स देना पड़ता था और पहले का उसका क्रेडिट मिलता था, तो इस हिसाब से सिर्फ 11 रुपए जाता था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।